हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के इंग्लिश का चैप्टर द फॉल एंड राइज ऑफ अ मर्चेंट। तो स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आज इंग्लिश के क्लास फिफ्थ का, और जो कि है पार्ट वन इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का इंग्लिश का, जो है द फॉल एंड राइज ऑफ मर्चेंट। तो मर्चेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मर्चेंट मीन्स ट्रेडर, यानी कि जो व्यापार करता है। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। लेट्स कनेक्ट, लेट्स नो अबाउट सम वेज ऑफ स्पीकिंग, रीड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। और हमें क्या करना है, हमें कुछ स्पीकिंग के वेज जानने हैं और इन वर्ड्स को और उनकी मीनिंग को समझना है। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स मटरिंग, टू अटर वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्द बड़बड़ाना, स्पेशली कॉम्प्लेंट्स और एंग्री एक्सप्रेशंस, या तो शिकायतें बोलना या गुस्से वाले एक्सप्रेशंस दिखाना, उसका मतलब वो मटरिंग। पैटरिंग, टू टॉक एमलेसली, यानी कि बिना सोचे समझे बात करना। मर्मरिंग, थोड़ी कम वॉइस में बोलना। रंबलिंग, अ लो हैवी कंटिन्यूअस साउंड सच एज दैट ऑफ थंडर और अ हंग्री स्टोमक। कैसे, जैसे आपको भूख लगी रहती है, ठीक है, तो वैसी साउंड, और या तो जो आपके पेट से आवाज आती है, और या तो थोड़ी हल्की, धीमी और भारी आवाज जो लगातार आती रहे, जैसे कि एक थंडर की आती है। विस्परिंग, टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, आराम से सॉफ्टली से बोलना। स्टैमरिंग, टू स्पीक विद इनवॉलंटरी पॉजेस और रिपीटेशंस, रुक के बोलना या एक अपने शब्दों को रिपीट करना या किसी सेंटेंस को रिपीट करना, तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट स्टैमरिंग। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जो फॉल और राइज है उस मर्चेंट का। फॉल और राइज कैसे, यानी कि फॉल का मतलब उसका धीरे धीरे क्या हुआ। अगर कोई सम्मान की बात होगी इस चैप्टर में, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो सम्मान या उसका आदर उसमें ऊपर नीचे कहीं हो गई वो बात अगर, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसके बारे में स्टोरी। इन अ सिटी कॉल्ड वर्धमान लिव्ड अ वेरी एफिशिएंट एंड प्रॉस्परस मर्चेंट। द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, therefore he made him the administrator of the kingdom with his efficient and intelligent ways. He kept the common man very happy and impressed the king at the same time. एक सिटी में, यानी कि शहर में, जिस शहर का नाम था वर्धमान, वहां एक वेरी एफिशिएंट यानी कि बहुत ही समर्थ मर्चेंट रहता था, और प्रॉस्पेरस का मतलब बहुत ही सफल था वो, यानी कि वो काम इतने अच्छे तरीके से करता था। The king was aware of his abilities, जो king है वो उसकी abilities यानी कि जो भी वो काम करता था, जिस काम के वो योग्य था, उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको पता था, किसको, king को। Therefore he made him the administrator of the kingdom, और इसने उन्होंने उसको क्या बना दिया, administrator बना दिया, प्रशासन के देखरेख के लिए उसको administrator बना दिया उस kingdom का। With his efficient and intelligent ways, he kept the common man very happy. और जो भी वो कोशिश करता था, और जितने भी उसने अपना दिमाग लगा के जो भी काम किए होंगे, जो उसको सौंपे गए थे, ठीक है, और वो इस वजह से जो वहां के लोग थे उनको बहुत खुश रखता था, और जो किंग है उसके काम से बहुत इंप्रेस रहते थे। Such a person who can keep everybody happy is rarely found. और ऐसे लोग जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो हर एक को खुश रख सके, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। Later there came a time. अब एक ऐसा टाइम आया। तो स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर में जो भी आपके पैराग्राफ में ये जो वर्ड है दे रखे ना रेड कलर में दे रखे हैं, तो रेड कलर में हाईलाइट हो रखे हैं, तो उनका मीनिंग आपके बुक में इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में बता देती हूँ। एफिशिएंट मींस कैपेबल, जैसे कि वो व्यापारी योग्य था उस काम करने के, और प्रॉस्पेरस उस काम को करने में सफल रहता था। अवेयर का मतलब जागरूक रहना, यानी कि जो किंग है उसको उनकी एबिलिटी, मर्चेंट की एबिलिटी के बारे में सब पता था। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आई होंगी वर्ड मीनिंग भी, और ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा। लेटर देयर केम अ टाइम When the merchant's daughter was getting married, अब एक ऐसा समय आया जब क्या है, मर्चेंट की बेटी की शादी होने को थी, यानी कि वो शादी करने योग्य हो गई थी। He arranged a lavish reception, तो जो किंग है उन्होंने एक शानदार रिसेप्शन वो किया, ठीक है। The merchant not only invited the king and the queen, who obliged by attending, but he also invited the entire royal household and all respected people of the kingdom. जैसे स्टूडेंट शादी होती है तो शादी में हम सबको इनवाइट करते हैं ना, उनको कॉल देते हैं, तो यहाँ पे जो किंगडम है
तो जो किंगडम का जो मर्चेंट है, उन्होंने ना केवल किंग और क्वीन को इनवाइट किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको भी इनवाइट किया जो रॉयल हाउसहोल्ड चलाते थे, एंड ऑल रिस्पेक्टेड पीपल, उस किंगडम के सारे रिस्पेक्टेड पीपल को भी इनवाइट किया, जैसे शादी में हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं, वैसे किंग ने भी इनवाइट किया। ड्यूरिंग द रिसेप्शन, अब रिसेप्शन के टाइम क्या हुआ, ही एंश्योर टू प्रोवाइड हिज गेस्ट विद द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ही गेव आउट गिफ्ट्स टू गेस्ट टू शो देम रिस्पेक्ट फॉर एक्सेप्टिंग हिज इनविटेशन। तो उस रिसेप्शन के दौरान ही इंश्योर टू प्रोवाइड हिज गेस्ट विद द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उसको ये पूरी तरीके से पता था, वो पूरी तरीके से श्योर था कि उसको अपने गेस्ट को अच्छे से अच्छी उनकी क्या करनी है, खातिरदारी करनी है। ही गेव आउट गिफ्ट टू गेस्ट टू शो देम रिस्पेक्ट, और उसने गेस्ट को गिफ्ट भी दिए ताकि वो समझे कि ये उनकी तरफ से उनका आदर के रूप में, ठीक है, फॉर एक्सेप्टिंग हिज इन्विटेशन। उन्होंने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया उन गेस्ट ने, तो उसको उस मर्चेंट ने उन लोगों को जो गेस्ट आ रहे थे तो उनको गिफ्ट भी दिया। अ सर्वेंट ऑफ द रॉयल हाउसहोल्ड हु यूज्ड टू स्वीप द पैलेस वाज नॉट इनवाइटेड। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, जो मर्चेंट है उसने तो सबको इनवाइट किया था, रॉयल हाउसहोल्ड को भी इनवाइट किया था, किंग और क्वीन को भी, और जितने भी लोग थे वहां पे रिस्पेक्टेड उनको भी इन्वाइट किया था, बट जो सर्वेंट है रॉयल हाउसहोल्ड का, उस रॉयल हाउस का जो सर्वेंट यानी कि नौकर था, वो जो उस पैलेस को साफ करता था, उसको नहीं इनवाइट किया उसने, किसने, मर्चेंट ने, बट अटेंडेड द रिसेप्शन, पर वो फिर भी रिसेप्शन में आया। और स्टूडेंट इस पैराग्राफ में भी जो रेड कलर की हाईलाइट में वर्ड है उनका मीनिंग मैं हिंदी में बता देती हूँ। जैसे कि उन्होंने रिसेप्शन कैसा रखा था, शानदार, स्प्लेंडेड, लेविस। एंश्योर्ड, एंश्योर्ड यानी कि उसने अपनी तरफ से पक्का कर लिया था कि जो भी गेस्ट आएंगे उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एंश्योर मीन्स पक्का कर लेना। तो स्टूडेंट जैसे कि वो जो सर्वेंट आया उसने उस रिसेप्शन को, बल्कि उसको इनवाइट नहीं किया गया था, वो तब भी उस रिसेप्शन में आया। ही टुक अ सीट विच वॉज रिजर्व फॉर रॉयल नोबल्स एंड नॉट मीन फॉर कॉमन इनवाइटीज। तो स्टूडेंट उसने सीट ली जो रिजर्व थी रॉयल नोबल्स के लिए, यानी कि जहां पे बड़े बड़े शाही खानदान के लोगों ने आना था, एंड नॉट मीन्ट फॉर कॉमन इनविटीज, वो उनके लिए नहीं थी जो ये कॉमन पीपल हैं। दिस मेड द मर्चेंट वेरी एंग्री, और जब मर्चेंट ने ये देखा कि वो उस सीट पे बैठा हुआ है जिस पे रॉयल नोबल्स को बैठना चाहिए था, वो उस सीट पे बैठा हुआ है जो कि उसके लिए नहीं थी, ठीक है, तो इस वजह से मर्चेंट को बहुत गुस्सा आ गया। ही कॉट हिम बाय द नेक, और उसने उसको कैसे पकड़ा, गले पकड़ के उसको पकड़ा, एंड ऑर्डर हिज सर्वेंट टू हैव हिम थ्रोन आउट, और नौकरों को आदेश दिया कि इसको बाहर भगा दो इस महल से। द रॉयल सर्वेंट फेल्ट वेरी इंसल्टेड, तो स्टूडेंट जो रॉयल सर्वेंट है उसको ये बहुत अपनी इज्जत की बेइज्जती लग गई, क्योंकि क्या किया मर्चेंट ने, उसको भगा दिया ना वहां से, एंड कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, और इस वजह से जो उसकी इंसल्ट हुई उस सर्वेंट की, उसको नींद नहीं आई थी। ही थॉट इफ आई कैन समहाउ डिसफेवर द मर्चेंट इन द किंग्स आई, आई विल हैव माई रिवेंज। और अब उसने सोच लिया, उस सर्वेंट ने सोच लिया, उस रॉयल सर्वेंट ने सोच लिया कि जब तक मैं उस अपना ये बदला ना निकाल दूं, मतलब मैं क्या करूं, जो किंग है ना उसके आईज में उस मर्चेंट की जो इज्जत बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं से क्या कर देता हूँ, लो कर देता हूँ, यानी कि जो किंग है वो उसको अच्छा ना माने, किसको, मर्चेंट को, तो मुझे अब ये रिवेंज लेना ही पड़ेगा उस मर्चेंट से। बट वट कैन आई अ कॉमन फेलो डू, पर क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, तो वो ये सोचने लगा। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में भी जो वर्ड रेड कलर के हाईलाइट में आ रखे हैं उनका मीनिंग मैं हिंदी में बता रही हूँ। जैसे डिसफेवर का मतलब विरोध करना, ताकि जो किंग है किंग की नजरों में जो मर्चेंट का इज्जत है वो कम हो जाए और वो क्या कर दे, उसको लाइक ना करे। रिवेंज यानी कि बदला लेना, जैसे सर्वेंट ने सोच लिया, रॉयल सर्वेंट ने सोचा कि मैं इस बात का, जो भी उसने इंसल्ट की मेरी वहां मर्चेंट ने, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, तो वो अब ये सोचने लगा कि कैसे लिया जाए। टू हार्म अ पावरफुल मैन लाइक हिम, थिंकिंग मच ही सडनली हैड अ प्लान, और इसके बारे में वो सोचने लगा कि क्या किया जाए, उसको एक प्लान सूझा। सेवरल डेज लेटर द सर्वेंट वॉज स्वीपिंग द फ्लोर नियर द किंग्स बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और बहुत टाइम बाद जो सर्वेंट है, जैसे कि वो वहां की सफाई कर रहा था और किंग्स के बेड के नजदीक में, एक सुबह को जब वो वहां सफाई कर रहा था किंग के बेड के नजदीक, ही ऑब्जर्व दैट द किंग वॉज स्टिल इन बेड, उसने देखा कि किंग अभी भी बेड पे है, हाफ अवेक है यानी कि थोड़ा थोड़ा जागा है। द सर्वेंट स्टार्टेड मम्बलिंग, और तो सर्वेंट कुछ बड़बड़ाने लगा। गुड हेवंस, द मर्चेंट हैज बिकम सो केयरफुल केयरफ्री नाउ दैट ही डेयर टू एम्ब्रेस द क्वीन, और उसने क्या कान भरे अब राजा के, क्योंकि उसको लगा कि राजा अभी थोड़ी उठावा तो है और वहां पे झाड़ू मार रहा था, कौन, जो सर्वेंट है, ठीक है, तो उसने मर्चेंट के बारे में वहां पे क्या फुसफुसाया, धीमी आवाज में क्या बोला,
उसने कहा कि जो मर्चेंट है वो बहुत ही लापरवाह हो गए हैं, ठीक है। और उन्होंने रानी को गले भी लगा दिया, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने रानी को गले लगा दिया। व्हेन द किंग हर्ड दिस ही जंप्ड अप एंड आस्क्ड द सर्वेंट, और जैसे किंग ने वर्ड सुन लिए तो वो जंप्ड हो गए अपने बेड से और उन्होंने सर्वेंट से पूछा, इज इट ट्रू, उन्होंने कहा कि ये क्या सच है, हैव यू सीन द मर्चेंट एम्ब्रेस माई क्वीन योर सेल्फ, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि जो मर्चेंट है वो मेरी क्वीन को क्या कर रहा था, गले लगा रहा था। द सर्वेंट एट वंस फेल एट द किंग्स फीट, और जो सर्वेंट है वो उनके पैरों में गिर गया किंग के। ओ मास्टर आई वॉज गैम्बलिंग ऑल नाइट, आई फील ड्राउजी फॉर आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, आई डोंट नो वट आई हैव बीन मम्बलिंग, बट इफ आई हैव सेड एनीथिंग इम्प्रॉपर प्लीज फॉरगिव मी। तो जब उसको लगा कि किंग ने उसकी बात सुन ली है तो वो किंग के पैरों में गिर गया, कौन, सर्वेंट, और उसने कहा कि ओ मास्टर आई वॉज गैम्बलिंग ऑल नाइट, हो सकता है मैं रात भर सही से नहीं सोया हूँ, मैं कुछ खेलने पर लगा हुआ था और मेरी जो मुझे अभी भी क्या है नींद सी आ रही है क्योंकि मैं कल रात को सोया भी नहीं। आई डोंट नो वट आई हैव बीन, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गया, बट आई हैव सेड एनीथिंग इम्प्रॉपर, हो सकता है कि मैं कुछ इम्प्रॉपर बोल गया हूँ तो मुझे माफ कर देना। द किंग स्पोक नो मोर बट द सर्वेंट न्यू ही हैड सोन द सीड ऑफ डिस्टर्स्ट। किंग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा पर सर्वेंट को लग गया था कि अब जो किंग है वो डाउट करने लग गया, किस पे, उस पे, मर्चेंट पे, और ये यहां से उसने शक का बीज बो दिया। द किंग थॉट इट कैन बी ट्रू, द सर्वेंट मूव्स अबाउट द पैलेस फ्रीली एंड सो डज द मर्चेंट, इट इज पॉसिबल दैट द सर्वेंट हैज सीन समथिंग। तो अब जो किंग है वो सोचने लगा कि हाँ ये तो सच हो सकता है, द सर्वेंट मूव्स अबाउट द पैलेस, जो सर्वेंट है वो तो निकल गया पैलेस से बाहर, सो डज द मर्चेंट, उसके बाद मर्चेंट भी निकला, इट इज पॉसिबल दैट द सर्वेंट हैज बी सीन समथिंग, और ये क्या पॉसिबल है कि जो सर्वेंट है उसने कुछ देखा हो। तो ये कौन सोच रहा है, किंग सोच रहा है अपने दिमाग में। तो स्टूडेंट इन पैराग्राफ में भी जो रेड कलर की हाईलाइट में ये वर्ड दे रखे हैं उनका मीनिंग आपके पास इंग्लिश में है। मम्बलिंग मीन्स टू से समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा कह देना कि दूसरा उसको समझ ना पाए, अस्पष्ट बोली। एम्प्रेस होल्ड समवन क्लोजली इन आइस आर्म्स, किसी को अपने हाथों में पकड़ लेना, मतलब ड्राउजी स्लीप मींस नींद से भरा हुआ, जैसे कि उस सर्वेंट ने कहा कि हो सकता है मुझे मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं बड़बड़ा गया हूँगा कुछ वर्ड। द किंग वॉज ट्रबल्ड विद जेलसी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ही विथड्रू हिज फेवर्स फ्रॉम द मर्चेंट एंड इवन फोरबेड हिम टू एंटर द पैलेस। जो किंग है अब वो क्या हो गया, वो परेशान हो गया और उसको जलन होने लगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से जब से उसने ये सुना उस सर्वेंट के मुंह से, उसने क्या किया, वो जो उसका फेवर देता था वो मर्चेंट को जो भी वो सपोर्ट करता था उसको तारीफ करता था, अब उसने वो क्या कर दिया, नहीं दी उसको, वो सम्मान नहीं देता था। एंड इवन फॉरबिड हिम टू एंटर द पैलेस, और मना कर दिया कि मेरे इस पैलेस में, महल में मत आओ। किसने, किंग ने किसको, मर्चेंट को। वन डे व्हेन द मर्चेंट वॉज एंटरिंग द गेटवे टू द पैलेस ही वॉज स्टॉप बाय द गार्ड्स, और एक दिन जब मर्चेंट गेटवे यानी कि पैलेस महल के जो गेट में आया उसको गार्ड ने वहीं पे रोक लिया। द मर्चेंट वॉज सरप्राइज बाय दिस सडन चेंज इन द किंग्स एटीट्यूड, और जो मर्चेंट है वो बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों हुआ वो इतना सरप्राइज, क्यों, क्योंकि उसने देखा कि किंग चेंज अ लिटिल बिट, यानी कि वो थोड़ा बहुत बदल गए हैं किंग, उनके एटीट्यूड यानी कि उनके जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आ गया है। द सर्वेंट वॉज नियर बाय एंड मॉकिंगली शाउटेड एट द गार्ड्स, और वो जो सर्वेंट है ना जिसकी बेइज्जती मर्चेंट ने की थी वो भी वहीं पे खड़ा था और वो उसकी हंसी उड़ाने लगा और चिल्लाने लगा गार्ड्स पे, हो गार्ड्स दैट मर्चेंट इज फेवर्ड बाय द किंग, ही इज अ पावरफुल पर्सन, ही कैन हैव पीपल अरेस्टेड और रिलीज्ड और इवन थ्रो आउट जस्ट लाइक ही हैड थ्रोन मी आउट ऑफ हिज डॉटर्स रिसेप्शन, बिहेवियर फॉर यू मे सफर द सेम फेट। तो उसके बाद वो वहां से बोल रहा है, शाउट कर रहा है, तेज तेज बोल रहा है कि जो गार्ड को बता रहा है कि जो मर्चेंट है उसको किंग फेवर करता था, गार्ड से बता रहा है, ही इज ए पावरफुल पर्सन, वो एक पावरफुल पर्सन है, कौन, मर्चेंट, जिसको गार्ड ने वहां पे रोका हुआ है, ही कैन हैव पीपल अरेस्टेड और रिलीज, उसने बहुत सारे पीपल को अरेस्ट भी किया या रिलीज भी किया और उनको बाहर भी भगा दिया है महल से, जस्ट लाइक ही हैड थ्रोन मी, जैसे कि मुझे भगा दिया, आउट ऑफ हिज डॉटर रिसेप्शन, अपनी लड़की के रिसेप्शन के दिन, बीवेयर फॉर यू मे सफर द सेम फेट, और तुम सावधान रहो, क्या पता तुम भी ऐसी फेट से गुजरो, ठीक है, फेट का मतलब भाग्य, हो सकता है तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने भी ऐसी कंडीशन आए, तो इसलिए वो उनको बता रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपके पास इस पैराग्राफ में जो वर्ड आए हैं रेड कलर के हाईलाइट में उनका मीनिंग है, फोरबिड मीन्स मना करना और मॉकिंगली मीन्स हंसी उड़ाना, जैसे उस सर्वेंट ने उस मर्चेंट की वहां पे
हंसी उड़ाई और इतनी जोर जोर की बोलने लगा कि उसकी तो जो किंग है वो बहुत तारीफ करते थे मर्चेंट की, और वो एक पावरफुल पर्सन थे, और जैसे कि उन्होंने मुझे आज बाहर फेंका वैसे ही जो किंग है उन्होंने उनको मना कर दिया इस पहले पहले से घुसने के लिए। तो स्टूडेंट ऐसे हमने इस स्टोरी में समझा अब तक कि जो सर्वेंट है उसने कैसे ठानी कि मैं उससे रिवेंज लूंगा, किससे, मर्चेंट से। क्यों? क्योंकि उसने बेटी की शादी में, बेटी के रिसेप्शन में मुझे भगा दिया था, मेरी इंसल्ट की थी, तो अब वो बदला ले रहा है किससे, उस मर्चेंट से। तो स्टूडेंट इस स्टोरी में हमने आज यहाँ तक पढ़ा, और स्टूडेंट रिमेनिंग की स्टोरी करेंगे हम पार्ट टू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, मेरे वीडियोज ऐसे देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि आपकी तरह ही और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके।